बट फिर भी उन्होंने कॉपीराइट क्लेम कर दिया और मेरे वीडियो पे स्ट्राइक लग गई, मेरी तो वाट लग गई एंड मुझे रात भर नींद बिल्कुल भी नहीं आई। तो अगर उनके वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है देन मेरे वीडियो पे तो ऑब्वियसली आ सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुभाश्री एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल सुभाश्रीज व्लॉग। तो थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। आज ना तो कोई मैं डेली व्लॉग करने वाली हूँ, ना तो आपको कुछ रेसिपी दिखाने वाली हूँ, ना तो कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। बस दो तीन दिन से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि मैं दो तीन दिन से व्लॉग नहीं डाल रही थी, कुछ भी वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि मैं थोड़ी सी टेंशन में थी और जब टेंशन खत्म हो जाएगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या टेंशन था। और फाइनली मुझे थोड़ी सी रिलीफ मिली क्योंकि वो टेंशन खत्म हो गया। बट ऐसा क्यों हुआ मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ मैं सब कुछ जानती हूँ यूट्यूब के बारे में, बट जितना भी बेसिक नॉलेज मेरे पास है, मैं जितना भी जानती हूँ उस हिसाब से मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था। टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो मैं दो या तीन दिन पहले रात को एक मेल आया और मैंने खोल के देखा कि मेरा एक वीडियो के ऊपर स्ट्राइक लगा हुआ है, यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक लगा हुआ है एंड वो वीडियो रिमूव कर दिया गया है। ये देख के तो सच में मुझे एक बहुत बड़ा मतलब झटका जैसा लगा कि ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं तो ये कैसा हो गया। फिर मैं जाके देखी, पहले मेरे यूट्यूब स्टूडियो में मैंने देखा कि वो वीडियो सच में रिमूव कर दिया गया है। मैंने वो मेल देखा, दोबारा से वो मेल में पढ़ी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं। मतलब इतनी रात को, तब रात शायद 12:30 या 1 बजे के करीब होगा, तो इतनी रात को मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती कि ऐसा क्यों हुआ, मैं क्या करूं उसके बदले। फिर मैंने यूट्यूब में 2-3 वीडियो सर्च किए कि कॉपीराइट क्यों आता है। पहले तो मैंने ये सोचा कि शायद मैं कुछ गलत जानती हूँ, तो इसलिए मैंने पहले ये सर्च किया कि कॉपीराइट क्यों आता है। तो वो वीडियो में भी मैंने देखा कि जो मैं जानती हूँ, मतलब कि कॉपीराइट इसलिए आता है कि अगर किसी दूसरे के कंटेंट को, मतलब उनके वीडियो को या फिर उनके फोटो को, उनके सॉन्ग को अगर अपने वीडियो में यूज करोगे तो कॉपीराइट आएगा, मुझे इतना तो पता था। बट मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो देखती हूँ कि कॉपीराइट जब आ जाएगा उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे पता चला वहाँ पे दो ऑप्शन था, एक तो आप जो जिन्होंने मतलब कॉपीराइट क्लेम किया है आप उनके पास मेल भेज सकते हो कि रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो अपना कंप्लेन वापस ले ले, ये एक रास्ता था। एंड सेकेंड ऑप्शन ये था कि आप काउंटर नोटिफिकेशन कर सकते हो, मतलब यूट्यूब को दोबारा आप मेल कर सकते हो कि नहीं ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक हुआ है ये एक्चुअल में गलत है, आपको बोल सकते हो कि वो दोबारा से वेरीफाई करे। ये दो ऑप्शन था। तो पहले मैंने देखा कि किसने मुझे वो कॉपीराइट क्लेम किसने किया है मेरे वीडियो पे। वहां पे मैंने देखा एक ड्रॉइंग टीचर सूरज नाम का एक चैनल है, तो उन्होंने कॉपीराइट क्लेम किया था। जाके मैंने उनके चैनल में देखा कि मैंने जो ड्रॉइंग बनाया था, मतलब कि मेरा, हाँ मैं आपको बताना तो भूल ही गई कि मेरे कौन से वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आया था। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था XYZ से हम कैसे इजीली गणपति जी का एक ड्रॉइंग बना सकते हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था और उसी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आया था। तो मैंने उनके चैनल में जाके देखा तो उनके चैनल में वही है ड्राइंग, एक 1 मंथ एगो वो ड्राइंग है और मैंने शायद 2 हफ्ते पहले ही वो वीडियो डाला था अपने चैनल पे। तो मैं सच बता देती हूँ, उनको भी मैंने यही बात बताई कि मैंने फेसबुक में एक पोस्ट देखा था जिसमें वही वीडियो था जो कि XYZ से आप कैसे इजीली गणपति जी का फोटो बना सकते हैं। मैंने वो देखा, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं भी ये ट्राई करती हूँ क्योंकि ड्राइंग करना मुझे अच्छा लगता है और थोड़ा बहुत अच्छा बन भी जाता है, तो मैंने इसीलिए सोचा कि उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना देती हूँ। ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक के ऊपर, सेम टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियोज हैं, तो मुझे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। क्लेम आ जाता तो फिर भी ठीक था, स्ट्राइक आ जाएगा मुझे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो इसलिए क्योंकि टॉपिक तो, मतलब आइडिया तो मुझे वहां से मिला, फेसबुक से मिला आइडिया कि मैं भी ये ऐसा एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वो ड्राइंग मैंने खुद बनाया था। जिन्होंने कॉपीराइट क्लेम किया था उनका जो वीडियो था उसको मैंने डायरेक्टली मेरे चैनल में लाके पब्लिश नहीं कर दिया था, ड्राइंग मैंने खुद बनाया था। हाँ मुझे आइडिया वहां से मिला था, बट फिर भी उन्होंने कॉपीराइट क्लेम कर दिया और मेरे वीडियो पे स्ट्राइक लग गई, मेरी तो वाट लग गई एंड मुझे रात भर नींद बिल्कुल भी नहीं आई। एक तो अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है
और कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाएगा तो 90 डेज तक कॉपीराइट स्ट्राइक हटेगा नहीं और उसी बीच आपका चैनल मोनिटाइज भी नहीं होगा। मतलब अगर आप वो उनका जो क्राइटेरिया है 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 आवर वॉच टाइम उसको अगर आप कंप्लीट भी कर दोगे ना तो चैनल मोनिटाइज नहीं होगा, मतलब नहीं होने का चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि चलो जिन्होंने ये कॉपीराइट क्लेम किया है उनके पास मैं एक मेल भेजूं। मैंने उनको एक मेल भेजा, मैंने उन्हें कहा कि सर एक्चुअल में बात ऐसा ऐसा है, मैंने आपकी वीडियो को कॉपी नहीं किया, बस मुझे फेसबुक पे एक पोस्ट मैंने देखा तो उससे मुझे ये आइडिया मिला और मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको ऐसा लगता है देन आई एम सॉरी बट मैंने आपके वीडियो को तो मेरे चैनल पे नहीं डाला है ना। तो उनका रिप्लाई ये आया कि नहीं आप ये वीडियो कॉपी किए हो, आपको खुद का कंटेंट बनाना चाहिए, आप दूसरों के कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकता वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें सुनाई। तो मैंने कहा ठीक है आप अभी क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि आप ये वीडियो डिलीट कर दो देन मैं कंप्लेंट वापस ले लूंगा। फिर मैंने एक दिन पूरा सोचा कि मैं क्या वीडियो डिलीट कर दूं क्योंकि उस वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज आए थे मेरे, मतलब मेरे बाकी सारे वीडियोस के हिसाब से उस वीडियो पे व्यूज अच्छे आए थे और आ रहे थे, मतलब कि वो वीडियो थोड़ा वायरल हो रहा था। तो इसलिए मैं थोड़ा सोची कि क्या मैं वीडियो डिलीट कर दूं क्योंकि अगर मैं वो डिलीट कर दूंगी तो उससे जो वॉच टाइम था वो भी तो मेरा बहुत कम हो जाएगा ना। उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरे जो जान पहचान के 3-4 जो भी यूट्यूब के बारे में जानते है उन लोगों को मैंने पूछा ऐसा कॉपीराइट स्ट्राइक आता है क्या मतलब इस टॉपिक पे, तो सबने बोला कि नहीं ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि ऐसे वीडियो पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहा है क्योंकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, उसके रूल के हिसाब से होना तो नहीं चाहिए। और यूट्यूब का एक ये डिमेरिट है कि आप अगर कंप्लेन करोगे तो वो बिना देखे ही वो कंप्लेन एक्सेप्ट कर लेता है और दूसरे की वीडियो पे स्ट्राइक लगा देता है। फिर मुझे याद आया कि 2-3 महीने पहले शायद जो कि इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर में से एक हैं, मतलब सबसे बड़े यूट्यूबर ही हैं, कैरीमिनाटी चैनल तो लगभग हर कोई जानता ही होगा, तो उनका एक सॉन्ग वीडियो आया था, एक वो एक रैपर हैं तो उनका खुद का उन्होंने सॉन्ग लिखा, खुद उसमें एक्टिंग किए, खुद गाए, खुद रैपिंग किए और उस वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक किसी ने लगा दिया था। तो अगर उनके वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है देन मेरे वीडियो पे तो ऑब्वियसली आ सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, अब एक वीडियो के लिए मैं अपने चैनल के ऊपर कुछ रिस्क लेना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरा चैनल जैसे कि मैंने कहा बहुत छोटा है, अभी तक मोनेटाइज भी नहीं हुआ है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए। तो इसलिए मैंने ये सही समझा कि नहीं मैं वीडियो को डिलीट कर देती हूँ और ये स्ट्राइक जल्द से जल्द हटाने की कोशिश करती हूँ। तो इसीलिए मैंने फाइनली वो वीडियो डिलीट कर दिया, मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ लेकिन फिर भी मैंने वीडियो डिलीट कर दिया। इसके अलावा मुझे और कुछ रास्ता नहीं समझ में आ रहा था तो मैंने, और जिन्होंने ये कॉपीराइट क्लेम किया था उन्होंने मुझे कहा कि पहले आप वीडियो डिलीट करो उसके बाद मैं यूट्यूब को मेल भेजूंगा वो कॉपीराइट स्ट्राइक हटाने का। तो मैंने उनको पूछा कि अगर मैं वीडियो डिलीट कर दूंगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने वीडियो डिलीट किया है या नहीं। मैं स्क्रीनशॉट लेके उनको भेजा कि देखो ऐसा ऐसा मैंने वीडियो डिलीट कर दिया, अब आप प्लीज अपना कंप्लेन वापस ले लो और मेरा चैनल जैसा था वैसा कर दो क्योंकि मुझे ये स्ट्राइक देख देख के मेरे दिमाग मतलब कुछ काम नहीं कर रहा था। सच में 2 दिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मतलब किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने वीडियो बना के रखी थी 2 वीडियो लेकिन उसको सिर्फ एडिट करके मुझे अपलोड करना था अपने चैनल पे, वो भी मैं नहीं कर पा रही थी। जब मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा ठीक है मेल भेज दिया है और आपका कॉपीराइट स्ट्राइक 24-40 घंटे के अंदर अंदर वो हट जाएगा। मैंने ये परसों किया, फिर कल देखी तो कल दिन भर वेट किया मैंने, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं हटा। तो फिर से मैंने उनको मैसेज किया कि देखो अभी तक तो कॉपीराइट स्ट्राइक हटा नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप वेट करो और हट जाएगा, जब हट जाएगा प्लीज मुझे बता देना। और फाइनली कल रात को मतलब वही लेट नाइट रात को 12:30-1 बजे के करीब एक मेल आया कि आपका कॉपीराइट स्ट्राइक हट गया है और मुझे फाइनली थोड़ा सा रिलीफ मिला कि चलो ये एक मतलब क्या सबक है। वैसे भी मेरा चैनल तो ब्लॉगिंग चैनल है, इसमें कॉपीराइट आना बहुत मुश्किल है, मतलब कंटेंट ब्लॉगिंग में तो कुछ कॉपी वाला कंटेंट होता ही नहीं, बस वो मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने बना लिया, लेकिन उसमें भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा मेरा ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था।
फर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड बहुत ही घटिया था, जो कि मैं दोबारा से इसको एक्सपीरियंस करना नहीं चाहूंगी और ऑब्वियसली कोई भी नहीं करना चाहेगा। कौन चाहेगा कि अपने चैनल पे रिस्क लेके कॉपीराइट स्ट्राइक लगवा दे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि ऐसा कुछ काम करते हैं, तो मैंने जिन्होंने ये कॉपीराइट क्लेम लगवाया था, मैंने उनसे कहा कि अगर आपको ये लग रहा था कि आपका कंटेंट है और किसी को पोस्ट नहीं करना चाहिए, तो आप प्लीज मुझे एक मैसेज ही भेज देते, मुझे एक मैसेज भेज देते कि देखो ये वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो मैं कॉपीराइट क्लेम कर दूंगा। तो मैं वैसे भी डिलीट कर देती, आपको ये इतना सारा तामझाम करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लोग तो नहीं मानते हैं ना, लोग तो झगड़ा करने लगते हैं ये वो। तो मैंने मन ही मन में सोचा कि सब लोगों को एक जैसा समझ के रखा है क्या। एनीवे जो हो गया सो हो गया। अब क्या, वो रेगुलर जो आपको वीडियो मेरे चैनल पे देखने को मिल रहे थे वही सब मिलेंगे और मैं ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगी अब मेरे चैनल पे, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। लेकिन सच बताऊं तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे आया। ये आना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने उनका जो वो वीडियो अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, मैंने वो वीडियो तो डायरेक्टली मेरे चैनल पे अपलोड मैंने नहीं किया ना। मैंने कहा उस जैसा बनाया था, तो वैसे तो बहुत कुछ वीडियो, मतलब एक टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियोज है। जैसे कि आप मान लो कुछ रेसिपी कुछ भी करी के ऊपर एक रेसिपी, तो वही सेम प्रोसेस में बहुत सारे लोग बना के वीडियो अपलोड किए हैं। तो वैसे भी मैंने भी ये ड्राइंग खुद ही बनाया था, बस प्रोसेस उनके जैसा था, मुझे आइडिया फेसबुक से मिला तो मैंने बना लिया। लेकिन इसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, ये तो सही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं है। फिर भी चलो, जो हो गया सो हो गया, मेरा एक वीडियो कम हो गया, मेरा बहुत सारा वॉच टाइम कम हो गया, लेकिन फाइनली कॉपीराइट स्ट्राइक हट गया और मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। मैं अभी थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। अगर आप लोगों में से कोई मतलब यूट्यूबर हैं और ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो मेरी सलाह ये है कि अब मैं सलाह देने लगी हूँ, मेरी सलाह ये है कि ऐसा मत कुछ भी मत कीजिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यूट्यूब ऐसा ये सब कुछ नहीं समझता है, उसको आप कंप्लेन दोगे तो वो कंप्लेन एक्सेप्ट करके तुरंत एक्शन भी ले लेता है। ये वो देखता ही नहीं कि जो कंप्लेन किया है वो जेन्युइन है या नहीं है, देखता ही नहीं। एनीवे हो गया, अब क्या कर सकते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।